प्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज के जो वीडियोज है वह हमने 9th क्लास के भूगोल के विषय का जो है 7वां अध्याय भारत के पड़ोसी देश का बनाया गया। बच्चों, ये भारत जो पड़ोसी देश है, ये भारत के पड़ोसी देश किसे कहते हैं? तो भारत के जो अस्थल सीमा है उसे जो भी देश जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं, उसे भारत के पड़ोसी देश कहा जाता है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, तो ये भारत के अस्थल से जुड़े हुए हैं, अस्थल सीमा से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें भारत के पड़ोसी देश के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल रूप से जानते हैं, इसे आप लिखिए। देखिए बच्चों, ये भारत के पड़ोसी देश का एक हमने चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट में हमने भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में लिखने का प्रयास किया। इस देश की राजधानी कहाँ पे है, उनके प्रमुख नगर कौन से हैं, भाषा क्या बोली जाती है, मुद्रा क्या है, कृषि उस देश में कौन से प्रमुख कृषि कार्य किए जाते हैं, उद्योग वर्जन देश में कौन कौन से प्रमुख है, उसके बारे में हमने लिखा है, उसका समाकलन तैयार किया है। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं नेपाल का। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है, उसके प्रमुख नगर विराटनगर है, भाषा नेपाली है, मुद्रा नेपाली रुपया है, कृषि है चावल, गेहूँ, मक्का, चाय, ठीक ना। उद्योग धंधा जो वहाँ पे है चीनी, कागज, कपड़ा, सीमेंट का उद्योग धंधा वहाँ पे किया जाता है। तो जो यहाँ पे देखते हैं भूटान का थिम्पू है राजधानी, इसका जो है प्रमुख नगर पारो है और भूटानी भाषा बोली जाती है, यहाँ का मुद्रा है गत्रा, कृषि है चावल, गेहूँ, मक्का, ठीक ना। और यहाँ पे जो लोग हैं पशुपालन और कागज है प्रमुख उद्योग है। तीन नंबर में बांग्लादेश है, उसका राजधानी है ढाका, प्रमुख नगर चटगांव, भाषा बांग्ला बोला जाता है, मुद्रा में टका, कृषि में चावल, जूट, चाय, ठीक ना, उद्योग धंधे में ऊन और दिया सलाई, इसका प्रमुख जो है उद्योग धंधा है। चार नंबर देखिए श्रीलंका, राजधानी कोलंबो, प्रमुख नगर जाफना, भाषा तमिल, मुद्रा लंकाई रुपया, कृषि चावल, चाय, नारियल, रबर, उद्योग धंधा चमड़ा, बारी कागज, चीनी, रबर, ठीक ना। पांच नंबर देखिए पाकिस्तान, राजधानी इस्लामाबाद, प्रमुख नगर कराची, भाषा उर्दू बोली जाती है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, कृषि गेहूँ, मक्का, कपास, गन्ना और उद्योग धंधा जो है सूती वस्त्र, चीनी का उद्योग होता है और चमड़ा का। तो बच्चों, इसे आप लोग लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, हम अब एक एक करके, जैसे कि मान लीजिए नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, जो भारत के पांच पड़ोसी देश है, अब एक एक करके इनके बारे में डिटेल रूप से जानने का प्रयास करेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर हम अवगत करेंगे। इसमें नेपाल के बारे में सबसे पहले नेपाल के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, नेपाल के बारे में हमने ये पाठ जो है शुरू किया है, ये नेपाल के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे, उसका क्वेश्चन आंसर आपको हम कराएंगे। तो बच्चों, कह रहा है नेपाल के पड़ोसी देश, नेपाल एक महत्वपूर्ण देश है, ये भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत के सुरंग अंचल में स्थित है। इस देश का विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट
उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। नेपाल चारों ओर स्थल से घिरा है, अतः इसे मध्यस्थ देश या हस्तांतरण देश भी कहते हैं। बच्चों ये प्रश्न जो है आप लोग को बार बार पूछता है कि नेपाल को स्थल रुद्ध देश क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं नेपाल चारों स्थल से घिरा है, ठीक ना, घिरा है, अतः इसे मध्यस्थ देश या स्थलारूढ़ देश भी कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान से लिखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट लिखे है नेपाल में स्थित लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है लिखे में कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है, तो लुम्बिनी में है जो कि नेपाल में स्थित है, ठीक ना। अगला है नेपाल का राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ का भी मंदिर है, ठीक ना, जो हिंदुओं का महान तीर्थ स्थल है, इसे भी आपको याद कीजिएगा। अगला है नेपाल को धरातलीय संरचना के आधार मूलतः 5 भागों में बांटा गया। पहला जो भाग है तराई प्रदेश, दूसरा शिवालिक प्रदेश, तीसरा महाभारत लेख श्रेणी प्रदेश और चौथा जो है मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, पांचवा हिमालय पर्वत का उच्च प्रदेश। बच्चों आज इसे आप लिखें आप लोग किताब के माध्यम से नेपाल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी एकत्र करें। अगले वीडियो में हम लोग आगे तरफ चलते हैं और नेपाल के बारे में भी जानने का और प्रयास करेंगे। बच्चों आज जो है आप लोग भारत के पड़ोसी देश निकालकर और जो है इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे और नेपाल चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक ना बच्चों, ताकि अगले बार हम जब पढ़ाएँ और समझाएँगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।